हाँ जी बाबा, जब आज के मुरली में बोले मेरा इस रथ से कोई लगाव नहीं। अब जब धर्म पिता आते हैं, जैसे जीसस के क्राइस्ट में क्राइस्ट आते हैं, वो भी तो शुरू में तो एकदम प्योर रहते हैं, तो जीसस के शरीर को वो गुलाम बनाता है या सहयोगी बना के चलता है? जैसे यहाँ पे ब्रह्मा बाबा तो लगाव है, लगाव है, लेकिन पूरा गुलाम बना देते हैं या नहीं? पूरा गुलाम बनाते हैं, बाप तो आकर के स्वतंत्र करते हैं, वो पराधीन करते हैं, हाँ? वो पराधीन बनाते हैं, तो उनको घुटन महसूस होती होगी। क्यों नहीं होगी? और बाबा, सांख्या योग क्या है बाबा? भगवद गीता में सेकंड अध्याय में सांख्या माने गिनना, गिनती, उसे संख्या कहा जाता है। 500 करोड़ की गिनती करें, किसका किसका क्या क्या पार्ट है, कितने कौन कौन धर्म में हैं, सब गिनती करना सारा सांख्य योग में आता है। उन 500 करोड़ में विभूति के रूप में पार्ट बजाने वाले कितने हैं, वो महान आत्माएं कौन कौन हैं, कितनी हैं, वो संख्या करना, गिनती करना, वो सांख्या। और पार करने वाला पार्वती, जगदम्बा और ब्रह्मा है या है? पार करने वाला पार्वती जगदम्बा है या जगदम्बा और ब्रह्मा है या लक्ष्मी है? लक्ष्मी को पार्वती करते हैं क्या? ब्रह्मा पार करने वाला कहें, दादा लेखराज ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, दादा लेखराज ब्रह्मा की बात कर रहे हैं ना? तो दादा लेखराज ब्रह्मा डूब गया, खुद डूबा या पार हो गया, खुद क्या हुआ? खुद पुरुषार्थ करते करते डूब गया या पार हो गया? डूब गया, डूब गया, और ही सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गया, जैसे भूत प्रेत बंधन में आ जाते हैं, उसकी तो बात ही खत्म करो। मुरली में भी बोल दिया है इसे ब्रह्मा को याद नहीं करना है, अगर इसको याद करेंगे तो तुम भी पतित हो जाएंगे, तो ब्रह्मा की तो बात ही नहीं। अगर ब्रह्मा की बात होती तो दुनिया में ब्रह्मा के मंदिर बनते, मूर्तियां बनती, और ब्रह्मा की याद भी लोग करते या नहीं करते? करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रही बात वैष्णो देवी की, पार्वती की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, रही बात जगदम्बा की, जगदम्बा वो भी ब्रह्मा का रूप है कि नहीं है? ब्रह्मा का रूप है, जगदम्बा भी ब्रह्मा का रूप है ना? ब्रह्मा का आदि रूप है या अंत रूप है? आदि रूप है, आदि रूप है, दोनों आदि ब्रह्मा भी। जगदम्बा ब्रह्मा का आदि रूप है या अंत रूप है? अच्छा, जो ब्रह्मा सो विष्णु होता है कि नहीं? ब्रह्मा सो विष्णु होता है ना? और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? अनेकों के नाम है। तो विष्णु के रूप में जगदम्बा का हाथ कौन सा है?
बताओ हाँ कमल का फूल जो हाथ है वो कौन सा हाथ है, ऊपर का हाथ है या नीचे का हाथ है? नीचे का हाथ है। राइटियस हाथ है या लेफ्टिस्ट हाथ है? लेफ्ट में नीचे का हाथ है। तो वो अंतिम हाथ है या बीच का हाथ है या ऊपर का हाथ है? तो जगदम्बा किस नंबर का ब्रह्मा हुआ? आदि ब्रह्मा हुआ है। आदि का ब्रह्मा जगदम्बा हुआ या लास्ट का ब्रह्मा हुआ? आदि का ब्रह्मा नहीं है, आदि का ब्रह्मा तो है, लेकिन आदि का जो ब्रह्मा है वो सुनने सुनाने वाला है ज्ञान का या समझने समझाने वाला है? और विष्णु जो बनेगा वो सुनने सुनाने वाला बनेगा या समझने समझाने वाला बनेगा? विष्णु बनने में पहला नंबर किसका होगा? पहला नंबर है वो सका ही होगा जिसने पहले समझा हो, सुना भी हो, लेकिन पहले समझा भी हो। तो शिव अकेला आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? आदि में भी तीन मूर्तियों के साथ आया। कौन कौन सी तीन मूर्तियां थी? ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजा माता और नहीं लेखराज कहाँ था आदि में? जगदम्बा, वैष्णवी देवी और वैष्णवी हाँ छोटी माँ, बड़ी माँ और प्रजापिता। तो इन तीनों में सुनने वाला, सुनाने वाला, समझने वाला और समझाने वाला पहला नंबर कौन? नहीं, पहले नंबर में सुना किसने वो पहले नंबर का ब्राह्मण हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा ने सुना तो पहले नंबर का ब्राह्मण हो गया। जो फर्स्ट ब्राह्मण है सो फर्स्ट देवता, सो फर्स्ट क्षत्रिय, सो फर्स्ट वैश्य, वो फर्स्ट शूद्र, वो तो हो गया फर्स्ट। क्यों वो फर्स्ट क्यों हो गया? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से सुना भी उसी ने और पहले नंबर में समझ रहा भी उसी ने। किसने समझा? प्रजापिता ने सुना भी और समझा भी, और समझने के बाद दूसरों को समझाया भी। लेकिन धारण किया? धारण नहीं किया। क्यों? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो अब बात आती है, समझना समझाना ऊंची चीज है या धारण करना ऊंची चीज है? धारण करना ऊंची चीज। अच्छा, शिव बाबा किनको प्रेफरेंस देते हैं? शिव बाबा आते हैं तो धारण करने वाले विजयमाला के बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं या समझने समझाने वाले बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं? है? किसको प्रेफरेंस देते हैं? मुरली में क्या बोलते हैं? दुनिया वालों ने तो पहचाना ही नहीं है। ब्रह्मा के बच्चों ने तो, चंद्रवंशी बच्चों ने तो पहचाना ही नहीं। ये क्वालिटी तुम बच्चों में ही है क्या?
कि तुम बाप को पहचानते हो तो समझ करके पहचानते हो या बेसमझी से दूसरों के कहने से है? समझ करके। तो बाप ने तो तुम्हारी समझने की क्वालिटी, पहचानने की क्वालिटी को ऊंचा किया, तो इस क्वालिटी की कदर आपको नहीं है, है? अगर समझेंगे नहीं तो धारणा कर सकेंगे, है? समझे बगैर कोई धारणा कर सकता है? नहीं। तो पहली बात है ज्ञान को समझना। जिसने सुना भी फर्स्ट, सुनाया भी फर्स्ट, समझा भी फर्स्ट, और धारण किया या नहीं किया? है? फर्स्ट नंबर में धारण किया या नहीं किया? किया। धारण किया? नहीं धारण किया। धारण नहीं किया। वैष्णवी देवी ने धारण किया और प्रजापिता ब्रह्मा ने तो धारण नहीं किया। अच्छा फिर नारायण कौन बनता है? पहले नंबर विष्णु वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी किससे लेती है? नारायण से लेती है। तो लेने वाला बड़ा या देने वाला बड़ा? देने वाला तो बड़ा हो गया। आप कह रहे हैं लेने वाला बड़ा हो गया। दुनिया में, आज की दुनिया में भी जो बड़े बड़े साधु संत महात्माएं होते हैं उनमें ज्यादा धारणा होती है या गृहस्थियों में ज्यादा धारणा होती है? अच्छा। साधु संत नहीं। शांत चित्त रहना, शांति का वाइब्रेशन फैलाना, पवित्र, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा गुण कौन सा है? पवित्रता। तो गृहस्थी ज्यादा पवित्र रहते हैं, सन्यासी ज्यादा पवित्र रहते हैं? हैं? गृहस्थी ज्यादा पवित्र रहते हैं? हैं? सन्यासी पवित्र रहते हैं, मन बुद्धि से याद करते हैं। फिर भी तुम्हारी प्रत्यक्षता कब होगी? क्या बोला? जब धारणा करने वाले पवित्रता की, जिन्होंने जन्म जन्मांतर धारणा की है, वो धारणा करने वाले सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी। बोला है या नहीं? अच्छा, हम ब्राह्मणों की जो दुनिया है उसमें धारणा करने वाले सन्यासी कौन है? विजयमाला की मण के उन सन्यासियों को बाबा ऊंची दृष्टि से देखता है, उनको पढ़ाता है या तुम गृहस्थियों को पढ़ाता है? किसको पढ़ाता है? तुम गृहस्थियों को पढ़ाता है। तो अपनी ऊंचता तो भूल गए। अच्छा, दूसरी बात, जो धारणा करते हैं, धारणा में तीखे हैं, उनको तो भगवान पढ़ाता नहीं। जिनको धारणा नहीं है, अज्ञानी भी हैं, उनको बाप पढ़ाते हैं। जिनको पढ़ाते हैं वो राजा बनते हैं स्वाधीन, या रानी बनते हैं आधीन? राजा स्वाधीन होता है और रानियां आधीन होती हैं, तो कौन बड़ा हुआ? है? राजा बड़ा हुआ, क्योंकि बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। जो राजयोग सीखने वाले हैं वो राजा बनते हैं,
और जिन्होंने राजयोग नहीं सीखा टाइम वेस्ट कर दिया। अंत में आते हैं, कब आवेंगे है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब वो शिव शक्ति अंत में आवेगी तो राजयोग की पढ़ाई पूरी हो जाएगी या चलती रहेगी? राजयोग की पढ़ाई ही पूरी हो जाती है। तो आप बताओ, पहला नंबर ब्रह्मा कौन, दूसरा नंबर ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा से विष्णु कौन, तीसरा नंबर कौन, चौथा नंबर कौन, पांचवा नंबर कौन, बताओ है? प्रजापिता ब्रह्मा पहला नंबर है? सुना सुना हाँ, सुनना समझना समझाना, धारण किया, मुरली में तो बोला है अगर योग में पास तो चारों सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे, अगर योग में फेल तो चारों सब्जेक्ट में फेल कहे जाएंगे। तो योग के अलावा जो तीन सब्जेक्ट हैं उनमें धारणा का नंबर है या नहीं है, है? अच्छा, कोई धारणा में पास हो जाए और तीन सब्जेक्ट में पास न हो तो अब्बल नंबर आ जाएगा है? आ जाएगा, आ जाएगा। धारणा क्यों कंफ्यूज कर दिया? धारणा एक सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा और सेवा, चार सब्जेक्ट है ना। तो इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ऊंचा सब्जेक्ट कौन सा है? याद। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जो दूसरा ब्रह्मा है सुनता भी है, तीन के बीच में वो सुनता भी है कौन? दादा लेखराज कहाँ था तीन में? तीन मूर्तियों में दादा लेखराज है? है नहीं, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो कंटा ही काट दिया, ब्रह्मा कुमारियों को जाके सुनाई देना समझाए देना, दादा लेखराज तो तीन मूर्तियों में से कोई भी मूर्ति में है ही नहीं। पहली मूर्ति कौन सी हुई? सुनने वाला, सुनाने वाला, समझने वाला और योग बल के आधार पर धारण करने वाला, वो एक हो गया प्रजापिता ब्रह्मा फर्स्ट मूर्धन्य। दूसरे नंबर का है वैष्णवी देवी, वो तीन के बीच में सुनने वाली भी थी कि नहीं थी है, और सुनने के साथ साथ समझ भी रही थी कि नहीं समझा है? जब प्रजापिता ने सुनाया तो सुनने के साथ उसने जैसे प्रजापिता ने समझा वैसे वो छोटी माँ ने समझा या नहीं समझा है? समझा लेकिन बोला नहीं, और बड़ी माँ ने समझा नहीं लेकिन बोला। उस बोलने का असर ब्रह्मा बाबा के ऊपर हुआ या नहीं? नहीं हुआ। अगर हुआ होता ब्रह्मा बाबा के ऊपर, अगर बड़ी माँ के बोलने का असर हुआ होता, प्रभाव पड़ता, तो उसकी प्रजा सतयुग में बनता कि नहीं है? बनता या नहीं बनता? लेकिन जगदम्बा का बच्चा ब्रह्मा दादा लेखराज कृष्ण के रूप में सतयुग के आदि में नहीं बनता। तो उसने संगम युग में किससे समझा?
छोटी माँ वैसे भी देवी से समझा, यहाँ समझा, ज्ञान का बीज पड़ा तो छोटी माँ के द्वारा पड़ा, तो सत्युग में छोटी माँ के द्वारा जन्म लेगा या नहीं लेगा? लेता। लक्ष्मी से जन्म होगा ना, कृष्ण का पहले पत्ते का, या जगदम्बा से जन्म होगा? है लक्ष्मी से जन्म होगा। तो लक्ष्मी कौन से नंबर का ब्रह्मा हुई? है वो कह रहे हैं फर्स्ट नंबर का, नहीं नंबर, हाँ दूसरा नंबर लक्ष्मी छोटी माँ, और तीसरा नंबर है तीसरा नंबर किसका हुआ? हाँ मूल बात आती है समझने के ऊपर, जो सुना उसको समझा किसने तीसरे नंबर में? क्या जगदम्बा ने समझा? नहीं समझा। जगदम्बा ने अगर बड़ी माता ने समझा होता तो परिचय भी दिया होता, लेकिन समझा ही नहीं। तो किसने समझा? छोटी माँ से किसने समझा? बीच में मीडिया माता बनती है, वो माता गीता माता है, सच्ची गीता माता है या झूठी गीता है? सच्ची गीता है, उसे भारत माता कहें या जगत माता कहें? भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। बीच में जगदम्बा निकलती है, सरस्वती, सरस्वती बीच में होती है या अंत में निकलती है? बीच में निकलती है। तो भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, उस भारत माता से कृष्ण बच्चे ने समझा, तो सतयुग के आदि में वो कृष्ण बच्चा भारत माता से जन्म लेता है। तो तीसरा नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? है दादा लेख रहा। तो चौथे नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ? विचार सागर मंथन तो बाद में होगा, पहले है समझने की बात। कैसे? ओम राधे मम्मा जो है वो ब्रह्मा की बेटी है। क्या? ब्रह्मा की बेटी है। तो दादा लेखराज की साथी संगी साथी सतयुग में बनेगी ना, माने ब्रह्मा बाबा ने समझा तो उसके बाद समझने का नंबर किसका आएगा? सतयुग का दूसरा पत्ता कौन है? होमराज। चौथा नंबर उनका हो गया। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर जगदम्बा का आता है, इसलिए कमल का फूल वाला हाथ नीचे दिखाया गया है। कीचड़ की दुनिया में भल पाट बजाती है, गृहस्थियों के बीच में भल पाट बजाती है, जगत के नास्तिक बच्चे हों सबसे नीची कोटि के बच्चे, उन बच्चों के बीच में भी पाट बजाती है। बजाती है या नहीं? जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा है, तो नास्तिकों की भी अम्बा है या नहीं? नास्तिकों की भी अम्बा है। तो ऐसे नीचों के साथ भी संगम के रंग में रह करके पाट बजाती है, तो उसको कमल फूल दिया गया है। क्या? कमल फूल की क्या खासियत है? कीचड़ में रहता है,
कीचड़ में डुबो दो। क्या? कीचड़ की दुनिया के बीच में उसको पूरा ही डुबो दो और फिर निकालो तो एक भी बूंद कीचड़ की टिकेगी नहीं। ये खास पार्ट किसका है? कमल फूल समान पार्ट बजाने वाली जगदम्बा का है या गुलाब के फूल के रूप में पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी का है? है जगदम्बा का। तो वो जगदम्बा उसका नंबर पांचवा ब्रह्मा है। विष्णु के रूप में चार भुजाएं दिखाई गई है ना? तो चार भुजाएं क्लियर हुई कि नहीं? कौन कौन है भुजा? माने चैतन्य भुजा या जड़ भुजा? वो कौन कौन चार भुजाएं? राइट हैंड तो है, राइट हैंड तो है, लेकिन समझने समझाने में अव्वल नंबर कौन है? लक्ष्मी। भले लेफ्ट हैंड में है, क्या लेफ्ट हैंड में होते हुए भी किन के बीच में पार्ट बजा रही है? अभी अफ्रीकन्स के बीच में पार्ट बजा रही है या ब्राह्मणों के बीच में पार्ट बजा रही है? अफ्रीका में कौन रहते हैं? हैं? हबसी रहते हैं। हबसी माने बड़ी हबस वाले हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। उनसे ज्यादा हबस और किसी दुनिया में दूसरे मनुष्य में नहीं होती है। ऐसों के बीच में भले है लेफ्टिस्ट में, लेकिन फिर भी ज्ञान का शंखनाद करने वाली है। क्या? ज्ञान का शंखनाद करती है, वो है लक्ष्मी। वो जब निकलेगी तब ज्ञान अर्थात जानकारी होगी दुनिया को। किसकी? ज्ञान माने जान, जानकारी। किसकी जानकारी होगी? बाप की जानकारी। तो जब बाप की जानकारी होगी तो बड़े से बड़ा बाप, बड़े से बड़ा बांब कौन फोड़ती है? हैं? यज्ञ में बड़े से बड़ा बांब कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बांब। वो कौन फोड़ती है? वैष्णवी देवी फोड़ती है। वो बांब जब फूटता है तो महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है, है? शंखनाद हो जाता है। महाभारत में शंख बजाए गए कि नहीं? है? बजाए। तो वो शंखनाद करती है बाप की प्रत्यक्षता का और फिर लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई क्यों शुरू होती है? दूसरे धर्म पिता है, अपन को भगवान समझते हैं साकार, और ब्रह्मा बाबा भी क्या समझते हैं? वो अपन को भगवान समझते हैं दुनिया का साकार में, गीता का भगवान कृष्ण। तो सारी दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय वाले हैं और उनके बाप हैं, वो सब उठ खड़े होते हैं, है ये कौन भगवान आ गया हमारे सामने साकार में। तो वो जो अपन को भगवान कहते हैं, ब्रह्मा हो चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी भगवान के रूप में धर्म गुरु कौन क्यों न हुए, धर्म पिताएं क्यों न हुए हों, सब क्रोध में आ जाते हैं। ये सब कौन से संप्रदाय हैं? है? या तो रावण संप्रदाय है रामायण के, या तो महाभारत के कौरव और यादव संप्रदाय है। कौरव संप्रदाय का हेड कौन है? है? अंधा था धृतराष्ट्र। राष्ट्र की जितनी धन संपत्ति है, क्या जितनी भी धन संपत्ति है, वो सब अपनी मुट्ठी में की हुई थी।
तो ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति अभी किसकी मुट्ठी में, किसके इशारे पे चलती है? है इस्लामी के इशारे पर चलती है। ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लामियों के इशारे पर है। ब्रह्मा बाबा जो गुलजार दादी में आते हैं उनसे हर बात पूछी जाती है ना, चाहे स्थूल जन संपत्ति हो चाहे ज्ञान की बातें हो, किससे पूछी जाती है? मुखिया कौन है? ब्रह्मा बाबा, जिनको भगवान बाप का खुद ही पता नहीं है। अंधे हैं या सोजरे में हैं? अंधे हैं। तो ये सारे धर्म पिताएं मिलकर के एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं उनके फॉलोअर्स सहित, और एक बाप दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। बड़ा भारी युद्ध सामने खड़ा हुआ है। मुट्ठी भर सूर्य और सूर्यवंशी एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। तो बताओ इनमें वो ब्रह्मा कौन है जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है? वो तो भुजाओं में है या नहीं है? विष्णु की भुजाओं में उसका नंबर है या नहीं है? फिर चलाने वाला। हाँ, भुजाओं को वो चलाने वाला ऊपर है और भुजाएं नंबरवार नीचे। अब समझ में आ गया? और सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना, वो क्या चीज है? सूक्ष्म शरीर का बंधन उनको होता है जो बहुत पाप करते हैं। उनको सूक्ष्म शरीर लेना पड़ता है ताकि उनके पाप बढ़े नहीं। वो जहां भी भटकते रहेंगे, दूसरों में प्रवेश करते रहेंगे, जिनमें प्रवेश करेंगे उनके द्वारा पाप होगा, लेकिन उनका पाप नहीं होगा। सूर्यवंशियों की लिस्ट में आवेगा सूक्ष्म शरीर या और धर्म वालों के हिस्से में आवेगा सूक्ष्म शरीर? पाप सूर्यवंशी करेंगे या और धर्म वाले पाप करेंगे? और धर्म वाले बहुत पाप करते हैं। क्यों? ब्रह्मा के फॉलोअर्स है, इस्लाम के फॉलोअर्स है, बौद्ध के फॉलोअर्स है, क्रिश्चियन के क्राइस्ट के फॉलोअर्स है, ये ज्यादा पाप क्यों करते हैं? द्वापर के बाद आते हैं। द्वापर के बाद तो सभी आते हैं, कौन नहीं आते हैं? देवता नहीं आते? आपको पहचान पूरी पढ़ाई नहीं। हाँ, जो ज्ञान है, ज्ञान सूर्य की जो देन है, वो ज्ञान सूर्य का प्रकाश ज्ञान सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे जितना धारण करते हैं उतना और कोई भी धर्म वाले धारण नहीं करते। तो है ही अंधे, अंधे की औलाद अंधे, तो पाप कर्म करेंगे या पुण्य कर्म करेंगे? पाप कर्म करते, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। कोई कहे कि ऐसा भी तो मुरली में आता है कि यज्ञ के आदि में बाप की लाश भी गुम कर दी, ऐसा भी तो मुरली में आता है। माना जो बाप का पार्ट बजाने वाला था उसकी हत्या हो गई, तो जिनकी हत्या की जाती है या जिनकी हत्या हो जाती है या जो हत्या करने वाले होते हैं वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं या नहीं करते हैं? ये करने वाले भी तो यज्ञ के आदि में दो पार्टियां थी या नहीं थी? हैं? झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? झगड़ा हुआ था, मुरली अव्यक्तवाणी में बोला है।
बाप और बच्चों के बीच में झगड़ा, वो माँ बाप के बीच में झगड़ा हुआ और बच्चे बीच में कूद पड़े, तो जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े में एक ग्रुप के मुखिया की लाश ही गुम कर दी, तो हत्या हुई ना। तो जिसकी हत्या हुई है वो सूक्ष्म शरीर धारण करना चाहिए कि नहीं है? करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं चाहिए? अरे दो में से एक बात तो हो ही जाएगी, सोच समझ के बताओ। हत्या हो गया तो सूक्ष्म शरीर धारण करना चाहिए, हत्या हो गई तो सूक्ष्म शरीर धारण करना चाहिए, बोलो। करना चाहिए, करना चाहिए, और बोलो। सब सहमत हो गए? जिसने काम किया उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना है, जिसने हत्या किया उसको सूक्ष्म शरीर धारण। जिनकी हत्या होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करते, काल मोक्ष में तो करते हैं लोग, करते हैं ना, यही नियम है। हत्या चाहे जिसकी हो और हत्या कोई करने वाला हो, दोनों का सूक्ष्म शरीर धारण होता है, दोनों का पाप पूरा नहीं किया है, हत्या करने वालों का पाप पूरा नहीं किया गया बाबा, क्या उसका आयु पूरा नहीं किया? हाँ हाँ, हत्या होना माने आयु पूरी नहीं हुई, जिसने हत्या की उसने तो पाप किया ही, लेकिन जिसकी बीच में मौत हो गई, अचानक मौत हो गई, तो वो भी सूक्ष्म शरीर धारण करता है कि नहीं? लेकिन जो कर्म करते हैं उन कर्म करने वालों का सिर्फ कर्म देखा जाता है या कर्म करने के पीछे उनका भाव क्या है वो भी देखा जाता है? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जिस भाव से जो कर्म करता है, क्या जो जस कर्म करे तस फल चाखा, कर्म तो किया लेकिन अच्छे भाव से किया या बुरे भाव से किया? कहते हैं शास्त्रों में भी लिखा है कि युद्ध भूमि में युद्ध करते करते जो योद्धा अचानक मर जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं? क्यों? वो तो अचानक मर गए, स्वर्ग में क्यों गए? क्यों को ना का भाव, हाँ, स्वार्थ का नहीं है, अपने रथ के पोषण के लिए नहीं है, देश की रक्षा करने के लिए। और यहाँ तो विश्वपिता आया हुआ है, विश्वपिता विश्व की रक्षा करने के लिए आया है, विश्व का कल्याण करने के लिए आया है, सारे विश्व की सदगति गति करने के लिए आया है या एक की गति गति सदगति करने आया है? सारे विश्व का। तो जिसके तन में आया था उसका भाव क्या था, अंदरूनी भाव क्या था, कल्याण का भाव था या अकल्याण का भाव था? कल्याण का भाव था, तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अरे बदल गए तुरंत, नहीं मिलना चाहिए। भले लाश को भी गुम कर दिया, उसकी हत्या ही कर दी, लेकिन भाव अच्छा होने के कारण उस स्वर्ग अर्थात ऊंची स्टेज में जाकर के अगले जन्म में पुरुषार्थ करेगा, नीची स्टेज में गड्ढे में नहीं जाने वाली है वो आत्मा। तो ये रहस्य है। और एक भाई का प्रश्न है, इसमें मंदिर में चैतन्य होता है क्या? है मंदिर में, हाँ ये मंदिर होता है ना भक्तिमार्ग, हाँ में चैतन्य कुछ शक्ति होता है क्या? होता है तो कैसे?
चैतन्य शक्ति होता है जड़ मंदिर में, जड़ मूर्तियां होती है या चैतन्य आत्मा होती है उन मूर्तियों में? है फिर जड़ मूर्तियों में आत्मा कहाँ से आ गई? आजकल बाबा इधर जो ये एरिया में हाँ, जो मंदिर में है ना हाँ, वो सोने का प्रश्न बोलता है, इसे है? सोने का प्रश्न, जो सोना वो कुछ प्रश्न देखता हम लोग, वो क्या बोलते हैं वो ज्योतिष जैसे देखता है, ज्योतिष ज्योतिष होता ना, क्या ज्योतिष होता है वो जो कोई आता है उधर वो ऐसे देखता है कि क्या ये मंदिर में ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे बोलता हम लोग ज्योतिष क्या क्या वो बोलता है कि मंदिर को तोड़ना है, पूरा तांबे का बनाना है, क्योंकि उसके अंदर जो मूर्ति था ना वो मूर्ति बताता है, ऐसे करके उन्होंने बात बोलता है। वो आपने मूर्ति से सुना? नहीं सुना, सुनी सुनाई बातों से भारत वासी दुर्गति पाई है। लेकिन ये एक मंदिर की बात नहीं है, बहुत मंदिर में। अच्छा आपने किसी बहुत मंदिर में से एक मंदिर में सुना जाके? ये भाई ने अब ये के भाई, ये भाई ने मैं आपको सुनाया या देखा? वो तो अपना गवाह भी साथ में लाया है, विटनेस साथ में ले आया। हाँ विटनेस बताओ भाई। विटनेस बोला वो सुना है, वो सुना है मतलब। फिर सुनी सुनाई बातों में विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए बाबा। हाँ आजकल जो मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, तो वो समझते हैं वहाँ वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत होता है, इनका कहने का मतलब ये भी है कुछ, तो ऐसा होता है पॉजिटिव वाइब्रेशन उधर हो सकता है मंदिरों में? भावना प्रधान मुक्त होता है भक्ति मार्ग में, यह प्रैक्टिकल भी होता है, जिसकी जैसी भावना उस भावना के आधार पर भगवान उसको हनुमान का साक्षात्कार करा देते हैं, महाकाली का साक्षात्कार करा देते हैं, गणेश भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, तो भावना का भाड़ा मिलता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वहां चैतन्य देवताएं होते हैं। जो बोलता है उसके अंदर कोई नई आत्मा था है? जो बोलते हैं आपने सुना भाई इधर तो वो बोलते हैं, आपने सुना भविष्य के बारे में बोलते हैं? अच्छे अच्छे बोलते हैं। कौन बोलता है भविष्य के बारे में? ये जो उधर संयम बोलते हैं वैसे है? जो पुजारी वाले होते हैं ना, पुजारी बोलते हैं आ, वो हमारे हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे वैसे आपका घर में घटना हुआ है ये सब, लेकिन सच भी बोलता है? हाँ सच बोलता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है कि वो भगवान है, देवता है? नहीं भगवान तो नहीं है, लेकिन तो फिर कोई आत्मा तो अगर नहीं आती। कमाल है, आत्माएं उद्धार कर सकती हैं दुनिया का, आत्माएं सच्चा ज्ञान सुना सकती हैं? नहीं, और बाबा भक्ति मार्ग में जो दक्षिणा मूर्ति का मूर्ति है वो किसका याद है? काय की मूर्ति? दक्षिणा मूर्ति। दक्षिणा मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति क्या दक्षिणा क्या होती है? दक्षिणा मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति एक झाड़ के नीचे बैठ करके शिष्यों को मौन से बताते हैं, तो उसको दक्षिणा मूर्ति कहते हैं। दक्षिणा मूर्ति जो नीचे उतरा हुआ मूर्ति ऊपर से आता है, उत्तर से आता है ऊपर, तो नीचे आकर के समझाते हैं। ऊपर से आते हुए किसी ने देखा? तो भक्ति मार्ग की बात है, मार्ग में ऐसी ढेर सारी दंत कथाएं सुनाते हैं जो क्रिश्चियंस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, वो अपनी क्रिश्चियंस मार्ग की ढेर सारी चमत्कार सुनाते हैं क्राइस्ट के बारे में। ऐसे ही इस्लामियों में मुसलमानों में बहुत से चमत्कार की बातें सुनाते हैं, बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, बौद्ध लोग ढेर सारे चमत्कार की बातें सुनाते हैं। वो चमत्कार जो है वो सिर्फ दंत कथाएं हैं, असली बातें नहीं है। उन सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। और बाबा हाँ? अगर एक आत्मा में इविल सोल प्रवेश करते हैं
और उसको भी प्रवेश करते हैं और दूसरों को भी प्रवेश करते हैं, तो हम क्या करें? जो देवान में होंगे उनमें इविल सोल प्रवेश करेगी, या आत्माभिमान में होंगे अपने को बिंदी आत्मा समझेंगे उनमें प्रवेश करेगी। तो क्यों बनते हो देव भाई? हमें क्या करना है? हमें आत्म की स्थिति में रहना, स्थिति में देखकर उनको शक्ति देने से वो शरीर छोड़ देंगे। कौन? इविल सोल। हाँ, उस शरीर छोड़ देते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो आपसे दृष्टि नहीं लेंगे अगर आप एक्यूरेट आत्मिक स्थिति में होंगे, और नीचे नजर कर लेंगे। नहीं छोड़ते हैं उस शरीर को। क्यों छोड़ेंगे? क्या जरूरी है जो दृष्टि देगा वो पावरफुल आत्मा है? हैं? तांत्रिक लोग तो दिखाते हैं ना, जो तांत्रिक लोग हैं हम लोग निकाल देते हैं। हाँ, तांत्रिक लोग जो भूतों प्रेतों को आवेश कराते हैं वो सबके अंदर आवेश करा सकते हैं कि कमजोर आत्माओं के अंदर ही आवेश कराते हैं? हैं? कमजोर आत्माओं को सभी आत्माएं कमजोरी हैं। सभी आत्मा कमजोरी है, आत्मा सिद्धि के बात है। सभी आत्मा कमजोरी है, आत्मसिद्धि के पास में लोग आत्मसिद्धि नहीं। जो त्रिमूर्ति का पाठ बजाने वाली हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। हाँ, वहाँ माता जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ तो उनकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं? उनको ज्ञान सुनाओ, वो आत्मिक स्थिति में रह करके ज्ञान सुनाओ। वो बवंडर मचाए हैं, तुम आत्मिक स्थिति में शांति के वाइब्रेशन दो। और बाबा मुरली में कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद फिर योग बल मिल नहीं सकेगा, न ज्ञान मिलेगा, पढ़ाई ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये जो अवस्था होगी ये माउंट आबू पहुंचने के पहले, मतलब एक तो है माउंट आबू में जाके अगला योग होगा ना, जहाँ पे शरीर भी कंचन काया बनेगा, उस समय वहाँ तो युद्ध शरीर कंचन काया। जब 500 करोड़ दुनिया है, उनके वाइब्रेशन इस दुनिया में फैल रहे हैं, 500 करोड़ में से 90% के वाइब्रेशन भूत प्रेत बनने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन हैं या देवताओं के वाइब्रेशन है? 500 करोड़ आत्माएं, कोई भूकंप में कैसे मरेगा? बड़ी बड़ी महलें, मारियां, अटारियां, मल्टी मिलियां, मल्टी जो स्टोरीज बनी हुई हैं विदेशों में, देश में, उनमें रहने वाले जब मरेंगे दब करके तो भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? वो तो भूत प्रेत बनेंगे। तो दुनिया का वाइब्रेशन खराब होगा या तो मुट्ठी भर आत्माएं संभाल सकोगे? है, दुनिया का वाइब्रेशन तो बहुत खराब हो जाएगा, अपने को संभालना मुश्किल। तो कंचन काया बन जाएगी? कंचन काया तब ही बनेगी जब तुम योग बल से प्रकृति को भी सतो प्रधान बनावेंगे। और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के गंदे वाइब्रेशन जब तक इस दुनिया में फैल रहे हैं, भूत प्रेतानी वाइब्रेशन फैल रहे हैं, तो ये दुनिया सुधर सकती है? प्रकृति सुधरेगी? प्रकृति के वाइब्रेशन बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बिगड़ेंगे। तो कब सुधरेंगे? वाइब्रेशन के बाद। हाँ, जब ये 500 करोड़ में से ज्यादा जो भूत प्रेतानी मनुष्य आत्माएं हैं जब शरीर ही छोड़ देंगी, दुनिया खाली हो जाएगी, श्रेष्ठ आत्माएं ही बचेंगी।
उनके योग बल से वाइब्रेशन चेंज होगा, तब प्रकृति सुधरेगी, सतो प्रधान बनेगी। मतलब युद्ध के बाद भी तो योग चलेगा ना? योग माने क्या है? आत्म की स्थिति में रहना योग नहीं है? तो आत्म की स्थिति में रहने वाली आत्माओं का हुजूम दुनिया के वाइब्रेशन को चेंज करेगा। जब वाइब्रेशन चेंज होगा तो प्रकृति भी परिवर्तन होगी। प्रकृति ज्ञान सुनाने से परिवर्तन होगी या योग से परिवर्तन होगी? प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति के पांच तत्व भी जड़ है। जड़ तुमई बुद्धि वाले हैं, चाहे वायु देवता हो, चाहे अग्नि देवता हो, चाहे वरुण देवता हो, चाहे इंद्र देवता हो, वो जड़ तुमई बुद्धि वाले हैं या चैतन्य बुद्धि वाले हैं? जड़ तुमई बुद्धि है। तो वो प्यार चाहते हैं। प्यार माने योग। योग से ही परिवर्तन होंगे। प्रकृति को जब तक तुमने परिवर्तन नहीं किया है तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। इतनी जिम्मेवारी सूर्यवंशी बच्चों के ऊपर है। और शरीर छोड़ते जाते हैं ना, बोलो शरीर 500 करोड़ की दुनिया है, शरीर छोड़ती जाती है तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा क्या उनका? उनके सूक्ष्म शरीर बवंडर मचाएंगे दुनिया में, तो एक एक में 14-14 सेल भी प्रवेश करेंगे। सतो प्रधान कैसे बनेंगे? जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो सतो प्रधान बनेंगे, या जो घड़ी घड़ी देवान में आते रहेंगे वो सतो प्रधान बनेंगे? नहीं बाबा, वो नहीं, वो ये सूक्ष्म शरीर धारे वो होंगे ना, घूमते रहेंगे तो होंगे, वो रहेंगे तो रहेंगे इस दुनिया में चार, वो तो कहीं भी एक एक सेकंड में कहाँ की कहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं, उनका सूक्ष्म शरीर रहेगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर रहेगा, क्या परिवर्तन वो कैसे होगा सतो प्रधान? आत्मिक स्थिति वाले भी होंगे या नहीं होंगे? तो उनको वो नुकसान पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। बस हाँ, रेतो चकने चोर का, गिरे तो चकने चोर, गिरे तो चकने चकनाचूर। चकनाचूर माने जैसे गेहूं का आटा बन जाता है, चूर चूर हो जाता है। हाँ, ऐसे चूर्ण बन जाएंगे, पाउडर बन जाएंगे, पाउडर। बाबा, कृष्ण के साथ साथ जन्म लेने वाले साढ़े 5 लाख आत्माएं कौन हैं? साढ़े 5 लाख, 4.5 लाख आत्माएं कौन से बाबा? कौन 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 से हैं जो आत्मा की स्थिति में रहेंगे? एडवांस में और बेसिक में किधर हैं वो लोग? किधर क्या अभी होगा? बाबा, बीज रूप के साथ जो चंद्रवंश से आकर के सूर्यवंशी बनेंगे वो नहीं होंगे? जो चंद्रवंश से आकर के लक्ष्मी और लक्ष्मी के फॉलोअर आएंगे वो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे? अरे, चश्मा क्यों उतार दिया? चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी कैसे सूर्यवंशी में आने पर रुद्रमाले में आएंगे तो शादी होती है? शादी होती है, शादी होती है। हाँ सुनो, जब शादी होती है तो कन्या दूसरे घर से आती है कि नहीं? नीचे कुल से आती है या ऊंच कुल से आती है? नीचे कुल से आती है और ऊंच कुल की बन जाती है। संग का रंग ऊंच कुल का लगा, खून ऊंच कुल का लगा या नीच कुल का रह जाता है? ऊंच कुल का खून बन जाता है। उस संग का रंग वो स्थूल खून है और यहाँ यहाँ कौन सा खून है? यहाँ ईश्वरीय ज्ञान के संकल्पों का खून है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो संकल्प चल रहे हैं और हम बच्चों के जो संकल्प चल रहे हैं ज्ञान युक्त, उनमें फर्क है या नहीं है?
उनके अज्ञानी संकल्प हैं, अज्ञानी खून है, और हमारा ज्ञान सूर्य के दिए हुए ज्ञान का खून है। तो वो वहां से हट करके जब हमारे संग में आएंगे तो उनका खून परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो कौन से वंश के बन जाएंगे? सूर्यवंशी बन जाएंगे। और कन्या में तो प्योरिटी होती है, होती है कि नहीं? लेकिन ये विजय माला में नहीं मानते हैं वे लोग, विजय माला में नहीं मानते थे। विजय माला में आते हैं? विजय माला में आने वाले सूर्यवंशी के ना बाबा। हाँ, तो डिफरेंस कैसे आते हैं? डिफरेंस कैसे आते हैं? क्योंकि प्योरिटी है ना, प्योरिटी विजय दिलाती है कि इम्प्योरिटी विजय दिलाती है? प्योरिटी है तो विजय है। राजाओं के, भारत के राजाओं में इम्प्योरिटी बढ़ी तो विदेशियों ने हमला किया तो विजय हुई या हार हुई? हार हो गई। यहाँ भी ऐसे ही बाबा। एक भी बाबा, जगदम्बा शंकर को छोड़कर चले गए, इसका यादगार भक्त मार्गो क्या? महाकाली। महाकाली अकेला? हाँ, महाकाली अकेली नहीं होती है। जब जगदम्बा की या कोई देवियों की पूजा करते हैं तो जय माता दी कहते हैं कि जय पिताजी भी कहते हैं? क्यों? जय पिताजी कहाँ गया? जो पिताजी क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ दिया। अब जो भक्ति नहीं किया है उसको ट्रेजर हुआ सीढ़ी वो देना चाहिए? दो दो जल्दी करो दो। लेकिन ले आप नहीं भी देंगे तो वो दूसरी जगह से नहीं ले सकता है। आप नहीं भी देंगे तो कंप्यूटर पर बैठ के डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो आप पैसा लेना होगा उनको, बताओ कि आप पैसा देंगे तो हम और छपाएंगे, आपका भी कल्याण होगा और यज्ञ का भी कल्याण होगा। तो पैसा आप जितना देंगे, बाकी पैसा इसमें छपा हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, ज्यादा नहीं दे सकते तो जो छपा हुआ है सो तो दे दो। सीढ़ी देकर वापस भी जा सकता ना? है ना, सीढ़ी ऐसे उनको सुनाने के लिए देंगे? हाँ, सीढ़ी दो वापस ले लो, दूसरी दे दो। हाँ, वही तो अच्छा रहेगा। देते जाओ, वापस लेते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। और दुनिया के सबसे बड़े से बड़े दर्पण के शिवाबा हैं, दुनिया के बड़े से बड़े दर्पण के शिवाबा। हाँ, बड़े से बड़ा दर्पण है शिव बाबा। बड़े के बड़ा स्थान के मधुबन। बड़े से बड़ा स्थान के मधुबन। हाँ, बड़े से बड़ा तीर्थ है माउंट आबू। हाँ हाँ, ऐसे है। और एक भाई पूछ रहे हैं, ये जो बाबा बोलते हैं गृहस्थियों को उठाने के लिए आया हूँ, है तो क्या ये सरेंडर होना अच्छी बात है? जैसे कन्या सरेंडर होता है, जो गृहस्थी नहीं होता ना, कन्या गृहस्थी नहीं होती है, माँ अम्मा बाप के बच्चे नहीं है। लेकिन सरेंडर होने के बाद तो गृहस्थी नहीं बोल सकता ना, माने सरेंडर होने के बाद माँ बाप के बच्चे नहीं है। अरे बेहद के माँ बाप के घर परिवार के भांति नहीं है, ये कैसे कह दिया कि वो क्या नाम, वो तो सन्यासी है। अगर अपन को माँ बाप का बच्चा नहीं समझते हैं तो बात दूसरी है। हाँ हाँ बाबा, राम को त्रेतायुग में दिखाते हैं और कृष्ण को सतयुग में दिखाते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में तो द्वापर में दिखाते हैं कृष्ण को, डर तेरे की नहीं तो। बाबा मुरली में माये को एक है, मुरली में माये को एक गीत है बाबा, बनवारी रे जीने के सहारा रे। क्यों? बनवारी रे, बनवारी रे जीने का सहारा, जीने का सहारा, जीने का आगे भी तो बोलो, जीने का सहारा क्या भूलना नहीं वाले। भक्ति मार्ग में नाम याद करते हैं,
बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। भगवान भक्ति मार्ग में नाम को महत्व देते हैं, लेकिन भक्त जानते नहीं है नाम कब होता है, नाम किसी का बाला किस आधार पर होता है। कोई काम किया है जिस आधार पर नाम बाला होता है, ये बात भूल जाते हैं। तो जीने का सहारा शिव बाबा का काम है या शिव बाबा का नाम है? है हाँ, शिव बाबा आके स्वर्ग की स्थापना करता है, जो काम दुनिया में कोई नहीं करता है। शिव बाबा ही हर मनुष्य मात्र की गति सदगति करता है, जो कोई भी मनुष्य मात्र धर्मगुरु गति सदगति नहीं कर सकता। तो शिव बाबा ऐसा काम करता है, वो काम याद रहना चाहिए, जो करता है उसका रूप याद रहना चाहिए, उस रूप के अंदर जो करने वाली आत्मा है वो आत्मा याद रहनी चाहिए कि नाम याद रहना चाहिए? आत्मा याद रहनी चाहिए कि राम की आत्मा को याद करेंगे है कि कृष्ण की आत्मा को चंद्रमा के रूप में याद करेंगे? ना हमें चंद्रमा को याद करना है, ना राम की आत्मा को याद करना है। वो साकार रूप में काम करने वाला कौन है, स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन है? शिव बाबा है। और राम अगर स्वर्ग स्थापन करने वाला होता तो 63 जन्म में राम था या नहीं था? वो था। नर्क बनाया कि स्वर्ग बनाया? नर्क बनाया।